हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बारिश इतनी झमाझम हो जा रही है, दिल्ली का तो बुरा हाल है। लेकिन ब्यूटी की किचन से आज हम लोग लेकर आ रहे हैं, कौन सी रेसिपी, क्या बना रहे हो? आलू और पनीर के परांठे बनने वाले हैं गाइस, सिर्फ पनीर के बनने वाले हैं, आलू के तो नहीं बनने वाले। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पनीर, साथ में हरी मिर्ची भी है, धनिया, प्याज और हरी मिर्च। और यहाँ पे हमने गरम करने के लिए रख दिया है बहुत हल्का सा तेल, अकेले लगे ना बहुत। ओके, तो हम यहाँ पर प्याज को थोड़ा सौते कर रहे हैं। प्याज थोड़ी कच्ची होती है, पनीर के पराठों में अगर ऐसी कच्ची प्याज आएगी तो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जरा सा ही करेंगे, ज्यादा नहीं। डाल रहे हैं हल्का सा नमक, अब ये हो गई है सॉफ्ट, ठंडा करके डालेंगे तो इसे ठंडा होने देते हैं तब तक, जब तक मीन वाइल ये ठंडी हो रही है। इसके बाद हम इसे पनीर में डाल देंगे ठंडा होने के बाद। इसमें हम ऐड कर रहे हैं धनिया, और ऐड कर रहे हैं हल्का सा नमक आधा चम्मच, जा रही है लाल मिर्च और आधा चम्मच देंगी मिर्च, प्याज, स्वाद भी अच्छा, इससे थोड़ा स्वाद भी इसका एनहांस हो जाता है। इसे भी मिक्स कर लेंगे पनीर का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। और अब हम अपना आटा मार लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसमें मम्मी हल्का सा नमक और ऐड कर रही हैं। जो आटा है हमने मार लिया है, यहाँ पे नॉर्मल आटा लिया है हमने, और उसे पानी से अच्छे से गूंथ लिया है। और यहाँ हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है, आटा भी तैयार हो चुका है। अब इसे थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे, और जब पनीर के पराठे खाएंगे अभी, तब साथ साथ बना लेंगे। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था, जब हम खाएंगे तब हम बनाएंगे। अब मम्मी बना रही है पनीर का पराठा, तो बहुत ईजी है पनीर का पराठा बनाना। पहले एक ऐसे आपको पराठा बनाना है, नॉर्मल बेल लो उसे अच्छे से गोल गोल, अब इसमें डाल रहे हैं वो फिलिंग जो हमने तैयार की थी।
तवे पे जाते हुए तेल और पराठा। जब तक एक सिक रहा है तब तक दूसरा बिल रहा है। आ गया, फूल गया गाइस, फूल गया। तो जब पराठा हमारा फूल जाता है इसका मतलब लग रही होती है बहुत तेजी से भूख। अब बिना इंतजार करते हुए थाली लगाते हैं और ओहो आग भी जल गई इसमें तो। चलो और पराठा खाते हैं। चलो जी, साथ में हमने लिया है दही, प्लेन दही है। इसमें आप अगर कुछ चटनी वटनी डालना चाहो तो डाल सकते हो। ये रहा हमारा पराठा। चटनी भी ले ली है हमने।